जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। ये चंद पंक्तियां आज मेवाड़ और बागड़ के जन जन की जुबा पर हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर मेवाड़ का सालों पुराना सपना आज यानी सोमवार को साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शाम 6 बजे अहमदाबाद के असारवा रेल स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 295 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज ट्रैक का लोकार्पण करेंगे। ठीक इसी समय उदयपुर के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और अन्य जनप्रतिनिधि अफसर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर असारवा के लिए रवाना करेंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि कब, कहां और कैसे पहुंचेगी ये ट्रेन। गाड़ी संख्या 09477 असारवा उदयपुर सिटी उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा शाम 6 बजे असारवा से रवाना होगी, जो रात 12:05 पर उदयपुर पहुंचेगी। और इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09609 उदयपुर सिटी असारवा उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा उदयपुर से शाम 6 बजे रवाना होगी, जो रात 12:20 पर असारवा पहुंचेगी। इस ट्रेन में 2 वातानुकूलित कुर्सियां, 1 थर्ड एसी, 3 सेकेंड स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 12 डिब्बे होंगे। गाड़ी संख्या 19703 उदयपुर सिटी असारवा अहमदाबाद। प्रतिदिन एक्सप्रेस रेल सेवा 1 नवंबर से उदयपुर सिटी से शाम 5 बजे रवाना होगी, जो रात 11 बजे असारवा पहुंचेगी। और इसी प्रकार गाड़ी संख्या 19704 असारवा अहमदाबाद उदयपुर सिटी प्रतिदिन एक्सप्रेस रेल सेवा 1 नवंबर से असारवा से सुबह 6:30 बजे रवाना होगी, जो दोपहर 12:30 बजे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इस रूट में उमरा, जावर, जयसमंद रोड, सेमारी, रिखब, देव रोड, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, श्यामलाजी रोड, हिम्मतनगर, प्रांतेज, तलोद, नांदोल, दहेगाम, नारोड़ा और सरकार ग्राम स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जब इतना कुछ आपने जान ही लिया है तो इसके ये 3 बड़े फायदे भी होने वाले हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला आएगा समय और किराए को लेकर। मीटर गेज पर ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ट्रेन को अहमदाबाद जाने में 10 घंटे लगा करते थे और अब मात्र 5.5 घंटे में ही ये आपको पहुंचा देगी। जनरल का टिकट मात्र 110 रुपए तो बस का 300 रुपए है। पर्यटन की अगर बात करें तो उदयपुर आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या गुजरातियों की ही होती है। नाद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर और शहर की झीलें विश्व विख्यात हैं। अहमदाबाद के रास्ते शेष देश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तीसरा और सबसे अहम कनेक्शन को लेकर, इस ट्रैक से उदयपुर गुजरात के ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से भी जुड़ जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र के सैकड़ों लोग रोजगार के सिलसिले में गुजरात जाते हैं, जिन्हें सस्ता और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। तो है ना ये सौगात, जो कि बस अब से कुछ ही देर में मिलने वाली है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस अब एक औपचारिक शुरुआत होगी और फिर ये ट्रेन मेवाड़, वागड़ और गुजरात को आपस में जोड़ने के लिए चक्कर लगाती रहेगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।